ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीती 7 मार्च यानी रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए कहा था, अभी दीदी की स्कूटी लड़खड़ाई है, उनकी स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि पीएम मोदी ने मैदान में मौजूद लाखों की संख्या में लोगों से इस बात को मजाकीय लिहाज में ही कहा था, लेकिन 3 दिन बाद ही ममता पर प्रधानमंत्री की व्यंगात्मक टिप्पणी लगभग सही साबित हो गई। बता दें कि कुछ दिन पहले महंगाई को लेकर ममता बनर्जी स्कूटी से विधानसभा पहुंची थी। वो शाम को ई स्कूटी चलाकर विरोध जताती भी दिखी थी। ई स्कूटी चलाने के दौरान सीएम ममता बनर्जी का बैलेंस भी बिगड़ा था। इस पर पीएम मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड की रैली में तंज कसा था। अब नंदीग्राम में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के नंदीग्राम में अपने नामांकन दाखिल करने के बाद जनसंपर्क पर जाती हुई कथित तौर पर हमले की शिकार हो गई। इसके बाद दीदी ने इसका पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा दिया। नंदीग्राम से ममता को कोलकाता के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की सियासी चालों में फंसती जा रही टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को अब सही मायने में बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को जो दर्द मिला है, टीएमसी उस दर्द की सहानुभूति के रास्ते बीजेपी को सियासी पटकनी देने की तैयारी कर चुकी है। इसकी बुनियाद तभी पड़ गई थी जब कराहती आवाज में ममता बनर्जी मीडिया से मुखातिब हुई थी। ममता का ये दर्द कहीं बीजेपी के लिए सियासी दर्द न बन जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज मैदान में उतर आई और ममता का पॉलिटिकल ड्रामा बताने में जुटी हुई है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी के एक पैर में चढ़े प्लास्टर का फोटो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर बंगाल की जनता में विधानसभा चुनाव के दौरान एक लहर बनाने की कोशिश की है। गुरुवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। यही नहीं, ममता ने कहा कि चोट लगने के बाद भी उनका काम बाधित नहीं होगा और वह पैर में चोट लगने की वजह से व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार करेगी। ममता ने कहा कि अभी मुझे कुछ दिनों तक व्हीलचेयर पर रहना होगा, इसके बाद भी मैं चुनाव में बाधा नहीं आने दूंगी और व्हीलचेयर पर ही प्रचार करूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने वीडियो में कहा है कि मुझे अपने अगले 2 से 3 दिनों में जमीन पर वापस लौटने की उम्मीद है। चोट फिर भी बरकरार रह सकती है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी और एक भी मीटिंग ड्रॉप नहीं करूंगी। हो सकता है कुछ दिनों के लिए मुझे व्हीलचेयर की मदद लेनी पड़े, मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ। वहीं इससे पहले गुरुवार सुबह ही ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सियासी माहौल बनाते हुए घायल सीएम ममता बनर्जी की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी तैयार रहो रविवार 2 मई को बंगाल के लोगों की ताकत को देखने के लिए। इससे पहले बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने घटना के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही ऐलान किया कि टीएमसी के सभी नेता आयोग के सामने इस मामले को उठाएंगे। दीदी को चोट लगने के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है, जिसका असर राजधानी दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कल शाम ही कहा था कि नंदीग्राम में कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दिया था, जिसके चलते उन्हें चोट लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के बाद बंगाल में उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दीदी जिस अस्पताल में भर्ती है, वहां बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद है। इन सब तस्वीरों को देखकर बेचैन हुई भाजपा भी एक्टिव मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी की चोट को पूरी तरह सियासी ड्रामा करार दिया है। भाजपा नेताओं को यह भी डर है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं ऐसा न हो जाए ममता वोटर्स में अपनी पार्टी के लिए लहर पैदा कर दे, इसलिए बंगाल से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेता ममता बनर्जी के आरोप का प्रत्यारोप देने में जुटे हुए हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के हादसे में घायल होने के बाद सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस ने भी भाजपा की सुर में सुर मिलाए हैं। पश्चिम बंगाल में इस घटना के बाद एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से इसे इस घटना को ममता का नाटक करार दिया जा रहा है, तो टीएमसी इसे ममता के खिलाफ साजिश बता रही है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इसे ममता का नाटक करार देते हुए कहा कि ममता को ऐसे सियासी ड्रामे करने की आदत है। चौधरी ने कहा कि ममता एक नेता ही नहीं है, बल्कि वह मुख्यमंत्री भी है, लेकिन ताजुब की बात है कि
जब उन पर हमला होता है तो उस समय कोई पुलिस वाला वहां मौजूद नहीं रहता है। हालांकि ममता पर हमला किन लोगों ने किया अभी यह साफ नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 3-4 लोगों ने उन पर हमला किया। ये लोग कौन हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।